नमस्कार दोस्तों, कैसे वो उम्मीद है सभी अच्छे फ्रेंड्स। कल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें जो हमने ड्रीम इलेवन लगाई है उसमें 2 करोड़ रुपए जीतने में कामयाब रहे दोस्तों। लाइव प्रूफ के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी टीम लगाई थी और किस खिलाड़ी को कैप्टन बनाया था, किसको वाइस कैप्टन बनाकर हमने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। फ्रेंड्स वही बात करेंगे आज के होने वाले मुकाबले की, जो कि पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबले होने वाला है। आज के मुकाबले में कौन सी ड्रीम इलेवन होने वाली है, किस खिलाड़ी को आपको टीम में रखना है, किसे नहीं रखना है, सारी चीज आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल वाले हुए मुकाबले की। तो वहां पर हमने संजू सैमसन, जोस बटलर को हमने कैप्टन बनाया था। संजू सैमसन और जोस बटलर एक तरफा मुकाबला खेला था, जबरदस्त एक तरफा 2 करोड़ रुपए हमें जिताए। वहीं युजवेंद्र चहल को हमने वाइस कैप्टन बनाया था, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और 4 विकेट लिए थे। वहीं ग्लेन फिलिप्स और अभिषेक शर्मा को भी हमने टीम में रखा था। ये चारों पांचों खिलाड़ी ने मिलकर हमें एक बहुत ही ग्रैंड लीग जिताई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हमने ये कल टीम बनाई थी और नंबर 1 रैंक कर गई थी दोस्तों। फिलहाल बात करें दोस्तों आज के मुकाबले की, अगर आप भी 2 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात करें आज के मुकाबले की। मैच नंबर 53 आईपीएल 2023 का ही होने वाला है। पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला, खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन के अंदर। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें दोस्तों, यहां पर पिछले जो 5 मुकाबले खेले गए पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच, तो पंजाब किंग्स 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। और फ्रेंड्स फिलहाल बात करें आईपीएल 2023 पॉइंट्स टेबल की, दोनों ही टीमों की क्या स्थिति है, तो नंबर 7 पर पंजाब किंग्स की टीम बनी हुई है जो कि 10 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबले ही ये टीम हारने में कामयाब रही है। वहीं केकेआर की टीम नंबर 8 की पोजीशन पर बनी हुई है, 10 में से 4 मुकाबले से जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। तो कुल मिलाकर पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग भी दोनों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होने वाला है। फ्रेंड्स इस पिच की हम बात करें कोलकाता के पिच की, तो यहां पर गाइस जो भी टीम टॉस जीतेगी टॉस जीतकर निश्चित रूप से गेंदबाजी करने का प्रयास करेगी, क्योंकि रात के समय जो ड्यू आता है उसका एडवांटेज लेना चाहेगी और कोई भी स्कोर हो यहां पर चेस करना पसंद करेगी दोनों ही टीमें। तो टॉस यहां पर काफी अहम फैक्टर होने वाला है दोस्तों। इस मुकाबले में स्पिनर्स की अहम भूमिका रहने वाली है, जिसकी बदौलत हम ड्रीम इलेवन में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वही बात करें इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 है, तो फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करें पंजाब किंग्स की, शिवराम सिंह, शिखर धवन, मैथ्यू शॉट, लिविंग स्टोन, जितेश शर्मा, सैम करण, शाहरुख खान, हरप्रीत बुमराह, ऋषि धवन, राहुल चाहर, अर्षदीप सिंह। और इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो नैथन इलिस होने वाले हैं पंजाब किंग्स की ओर से। वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, रहमुनाथ, गुरबाज, जैसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो सुयास शर्मा और अनुकूल रॉय हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि अनुकूल रॉय को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार स्पिन फ्रेंडली ये पिच होने वाला है कोलकाता का। चलिए दोस्तों बात हो चुकी है दोनों ही टीम की, प्लेइंग 11 हम आपसे बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं कि ड्रीम 11 आज के मुकाबले के लिए कौन सी होने वाली है, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। बिल्कुल दोस्तों अब ड्रीम 11 की बात करें तो शिखर धवन जबरदस्त फॉर्म में है और आईपीएल इतिहास में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं, लगभग 149 का स्ट्राइक रेट है। तो इनको मैंने टीम में रखा है, लगातार कंसिस्टेंसी ये परफॉर्म करते हैं तो इनको टीम में रखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ग्रैंड लीग को विन करवाने वाले हैं। वहीं रहमन्ना गुरबाज, जिन्होंने 84 रनों की तूफानी पारी खेली थी पिछले मुकाबले की हम बात करें तो, ये अच्छी फॉर्म में है और ये काफी कॉन्फिडेंस भरी बल्लेबाजी करते हैं तो इनको रखना बहुत जरूरी है। वहीं बात करें जैसन रॉय या रिंकू सिंह, अगर केकेआर की पहले बल्लेबाजी आती है तो मैं जैसन रॉय को रखना चाहूंगा, अगर केकेआर की टीम इस मुकाबले में चेस करे तो मैं इसके अंदर रिंकू सिंह को लेने वाला हूं। तो कुल मिलाकर आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को लिया जा सकता है। भाई लिविंग स्टोन इस खिलाड़ी के ऊपर दाव लगाना बहुत जरूरी है, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आप इस खिलाड़ी को कैप्टन भी बना सकते हैं। मैं इस टीम का आज इनको कैप्टन बनाने वाला हूं,
क्योंकि रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कल जोस बटलर को कैप्टन बनाया था और बहुत ही बड़ी ग्रैंड लीग विन करी थी, तो आज मैं लियाम लिविंगस्टन को कप्तान बनने में काफी बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ दोस्तों, आप भी ले सकते हैं। वहीं जितेश शर्मा जिस प्रकार की ये पंजाब के लिए पारियां खेल रहे हैं, मुकाबले को फिनिश कर रहे हैं जबरदस्त, तो मैं आज इनको अपनी टीम में लेना चाहूंगा। वहीं वेंकटेश अय्यर जो कि कोलकाता के हाईएस्ट स्कोरर हैं, आईपीएल 2023 के एक सेंचुरी भी बना सकते हैं, तो इनको टीम में लेना बहुत जरूरी। वहीं नितेश राणा जो कि केकेआर के कप्तान हैं, कंसिस्टेंस परफॉर्मर हैं, अच्छे रन बनाए हैं। वहीं आंद्रे रसल या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को आप ले सकते हैं, जिस प्रकार शार्दुल ठाकुर गुच्छे में अगर विकेट लेते हैं कहीं ना कहीं रन भी करते हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, आंद्रे रसल की जगह इनको शामिल किया जा सकता है टीम में। बहरहाल मैं आंद्रे रसल को टीम में लेने वाला हूं। वहीं सैम करन जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, हालांकि इतना अच्छा सीजन इनके साथ गेल के साथ गया नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की ये केकेआर की जो टीम मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं इनको आज शुरुआत में बॉलिंग दी जा सकती है, जिसकी बदौलत ये पावर प्ले के अंदर विकेट्स भी ले सकते हैं, वो रन तो बनाते ही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सैम करन को आज मैं इस ग्राउंड के हिसाब से टीम में रखने वाला हूं। वहीं वरुण चक्रवर्ती जिस प्रकार उन्होंने पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर डिफेंड किया था, तो निश्चित रूप से ही मेरे ड्रीम इलेवन में रहने वाले हैं, जिस प्रकार कोलकाता का पिच काफी इनको सूटेबल है। और वहीं अर्शदीप सिंह जिनका पिछला मुकाबला काफी खराब रहा था, लेकिन इनको आप कभी भी ड्रीम इलेवन से दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब भी ये विकेट लेते हैं काफी विकेट लेते हैं, 3 से 4 विकेट लेते हैं, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं। और पंजाब किंग्स की ओर से हाईएस्ट विकेट टेकर है जिन्होंने कि आईपीएल 2023 में अभी तक 16 विकेट ये ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप एक नजर डाल सकते हैं फटाफट से, ये मेरी ड्रीम इलेवन होने वाली है। और दोस्तों ये बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए मेरा, जिस प्रकार हमने कल टीम लगाई है, ये विनिंग टीम है, ये नंबर 1 रैंक वाली ये टीम है, जिसमें हमने जोस बटलर को कैप्टन बनाया था, युजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन बनाया था, अभिषेक शर्मा थे, ग्लेन फिलिप्स थे, हेनरिक क्लासेन थे, राहुल त्रिपाठी थे इस टीम में जो कि कल हमने चुनी थी। आप पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हमने ये जो टीम बनाई थी बिल्कुल नंबर 1 रैंक लेकर आई है। आप भी चाहते हैं कि आप भी करोड़पति बने, तो जो हमने आज की जो ड्रीम इलेवन बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। हालांकि कुछ एक आध चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि टॉस काफी अहम फैक्टर होने वाला है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, कौन सी बाद में करेगी, उसको देखते हुए ही ड्रीम इलेवन का चयन किया जाता है। क्योंकि शाम को 7 बजे टॉस के बाद में कोई टीम अगर कोई फेर बदल किया जाता है बाई दबा, तो वहां पर आप कुछ एक आध खिलाड़ी को चेंज कर सकते हैं टॉस को देखकर, तो वहां पर भी मैं ड्रीम इलेवन डालने वाला हूँ टॉस के बाद। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा अपना टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।